गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआईआर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आप हर साल, इनफैक्ट हर पेपर में आप एक ना एक क्वेश्चन देख ही सकते हैं लगभग। सो ये हमारा सेल बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। इफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें तो मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? मेम्ब्रेन का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल का हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? वो ट्रांसपोर्ट या तो सेल के अंदर हो सकता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से हम सेल के अंदर किसी चीज को लेकर जा रहे हैं, या फिर साइटोप्लाज्म से टूवर्ड्स दी आउटसाइड लेकर जा रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट किसका होता है? ट्रांसपोर्ट किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, हम उसके बारे में देखना वाले हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिवली, वंस अगेन वर्ड को ब्रेक करें, यानी कि वो सेलेक्ट करती है। इट विल सेलेक्ट द मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली क्या करेगी? मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करेगी, जिन मॉलिक्यूल्स को इसको पास करना है सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ये पास करेगी, और जिन मॉलिक्यूल्स को इसको पास नहीं करना है उन मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करेगी। अब ये ऑन व्हाट बेसिस इट सेलेक्ट्स कि कौन से मॉलिक्यूल्स को पास करवाना है और कौन से मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करवाना है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमने पहले भी देख लिया था, इनके जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर इनसॉल्यूबल होती है। तो इस हाइड्रोफोबिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो किस मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी पास होना और किस मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी पास करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें, अगर ये वाटर इनसॉल्यूबल है तो ऑब्वियसली ये किस मॉलिक्यूल्स को प्रेफर करेंगे, जो खुद भी वाटर इनसॉल्यूबल हो या फिर जो हाइड्रोफोबिक हो, वन इन द सेम। तो यहाँ पर जो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे, उनका दो बेसिस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो सबसे पहले डिपेंडेंट होती है साइज क्या है मॉलिक्यूल का। जितना स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा वो इतने ईजिली पास हो जाएगा, वो उतने ईजिली पास होगा, वहीं जितना लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो उसको उतनी मुश्किल होगी पास होने में। पहला जो है वो ये चीज है। सेकेंड चीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो चार्ज मॉलिक्यूल है या फिर अनचार्ज मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉन पोलार्स, वो बहुत ईजिली पास हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी पास होने में। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें गैसेस का, वो गैसेस क्या हो सकती है? आराम से पास हो सकती है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी पास होने में। वहीं अगर हम दूसरा लें नॉन पोलार के अलावा एक और मॉलिक्यूल लें, दैट इज पोलार मॉलिक्यूल, और जो चार्ज है यानी कि जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? चार्ज प्रेजेंट है, इनको पास करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो बोलेगी मैं इनको पास नहीं होने दूंगी क्योंकि लिए मेरे पास चार्ज नहीं प्रेजेंट है, इसको रिपेल करेगी, तो इसको पास होने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो अभी हमने क्या देखा? अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली किस बेसिस पे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या है, सेकेंड कि वो चार्ज है या फिर अनचार्ज मॉलिक्यूल। यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ठीक है बाकी सब ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ आती है कि जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर आना है तो वो क्या कर रहा है? डिफ्यूजन कर रहा है। अब ये डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? सिंपली कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर 10 है और यहाँ पर क्या है? कोई भी चीज़ 2 है, तो क्या कर सकता है मॉलिक्यूल? यहाँ से इस तरफ मूव कर सकता है, सो दैट क्या हो सके? यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स का अमाउंट है वो ज़्यादा हो सके। तो सिंपल सेंस में अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल के बाहर ये जो सर्कल्स हैं इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, और इनसाइड दी सेल जो कंसंट्रेशन है वो काफी लो है। तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट शो कर रहे हैं।
अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मॉलिक्यूल को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे मूव करना हो तो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है ना कि कोई जगह पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज चाहिए और किसी और जगह पे आपको उतने अमाउंट में कोई चीज नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वो कंडीशन भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सिर्फ हम सिंपल डिफ्यूजन को हमने समझ लिया कि डिफ्यूजन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे ट्रांसपोर्ट होना, और ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कर रहे हैं चीजों का। थर्ड चीज हमने क्या देखी कि जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वो किस बेसिस पे होगा। सबसे पहले जो दो बेसिस है वो ये है कि उनका साइज क्या है और सेकेंड कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल स्मॉल है, अगर कोई मॉलिक्यूल स्मॉल है और इवन नॉन पोलार है तो वो मॉलिक्यूल क्या कर पाएगा, वो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जैसे कि यहाँ पर आप दो गैसेस देख सकते हैं, कौन कौन सी गैसेस है, CO2 एंड ऑक्सीजन। ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ये दोनों ही मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं प्लस ये नॉन पोलार होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, ऑन द बेसिस ऑफ वंस अगेन जो भी जहाँ पे भी हायर कंसेंट्रेशन होगी। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो इनमें से एक एग्जांपल है गैसेस का, जैसे कि CO2, O2, N2, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हॉर्मोन्स, इसी के साथ साथ कौन इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, हॉर्मोन्स क्यों इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है। हॉर्मोन्स किससे बने होते हैं, हॉर्मोन कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल खुद क्या है, कोलेस्ट्रॉल खुद हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कौन से हॉर्मोन, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। कौन से स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं क्रॉस में, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, नॉट ऑल हॉर्मोन्स बट स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी आराम से क्यों ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं इसलिए, जो कि खुद एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या कर पाएंगे, ये भी इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की, हॉर्मोन्स की या फिर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स की, जिसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्राडायोल एंड टेस्टोस्टेरॉन है। ये सारे के सारे हॉर्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके ट्रांसपोर्ट में, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स देखें जो कि स्मॉल है, जो कि कैसे हैं, स्मॉल है लेकिन क्या है, अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड यानी कि उनके पास क्या प्रेजेंट है, उनके पास स्पेसिफिकली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। स्मॉल है, अनचार्ज्ड है, भले ही पोलार है लेकिन चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लिसरॉल, H2O, इथेनॉल, यूरिया, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैटेगरी जो कि हमने देखी थी स्मॉल नॉन पोलार मॉलिक्यूल की, एज कम्पेयर टू दीज मॉलिक्यूल इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये क्या शो करेंगे, ये लेस ट्रांसपोर्ट होगा इनका, या फिर इसके लिए हम बोल सकते हैं कि मोर टाइम कंज्यूम करेंगे ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम कंज्यूम करेंगे एज कम्पेयर टू नॉन पोलार, क्योंकि वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल थे और ये अनचार्ज पोलार मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम थर्ड कंडीशन देखें जिसमें कौन आते हैं, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस और आयंस। ये वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सबसे पहले इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये कैसे होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले दो कैटेगरी में जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल साइज थे, तो उनको पास होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन ये लार्ज साइज है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अगर लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा उसको ट्रांसपोर्ट होने में उतनी दिक्कत होगी। उसके साथ साथ ही यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ये होते अनचार्ज पोलार, ये होते कैसे अनचार्ज पोलार है लेकिन इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास नहीं होने दे रही है। क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, इतने बड़े साइज के साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वोंट अलाउ देम टू क्रॉस। ऐसे ही आयंस, आयंस में तो पूरा का पूरा चार्ज प्रेजेंट होता है, ये तो पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं तो टोटली चार्ज है, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इनको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी हद में, किसी भी रूप में इनको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी।
तो ये थर्ड कैटेगरी होती है जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेलेक्ट कर लिया कि इनको तो भाई अलाउ नहीं करना। एक का रीज़न कि उसका लार्ज साइज होता है, और आयंस भले ही आयंस कितने भी स्मॉल हो, भले ही आयन स्मॉल हो, भले ही आयन लार्ज हो, कोई भी साइज हो इनका, लेकिन इसको अलाउ नहीं करेगी जस्ट बिकॉज दे आर चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे पूरा एक तरीके से जितने भी हमने कंडीशंस देखी उसको अगर हम लिखें, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले थे गैसेस मॉलिक्यूल जिनको आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होने देगी। सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि बेंजीन, इसको भी आराम से पास होने देगी। थर्ड आता है स्मॉल पोलार मॉलिक्यूल्स जो कि कैसे अनचार्ज है, स्पेसिफिकली जो कि कैसे अनचार्ज है, जैसे कि H2O एंड इथेनॉल, इनको पास होने देगी। बट येस द रेट विल बी स्लो, इनका रेट कैसा होगा, स्लोअर रेट पे होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज पोलार मॉलिक्यूल्स, लार्ज पोलार मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होने देगी, जैसे कि ग्लूकोज, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, भले ही अनचार्ज है स्टिल दे वोंट बी एबल टू पास। एंड द लास्ट मॉलिक्यूल्स आर चार्ज मॉलिक्यूल्स, इनका साइज कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें कि ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं होने देगी, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पास होते ही नहीं है। डेफिनेटली दे विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, अगर मैं बहुत सिंपल सेंस में अगर एक वर्ड यूज़ करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ व्हीकल, इनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, व्हीकल को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो व्हीकल होता है ये दो चीज़ें हो सकती हैं बेसिकली, ये होते क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। ये व्हीकल्स क्या है, बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि किस में हेल्प करेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनी होती है, एक तो लिपिड मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ ही कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को जिसको लिपिड लेयर पास होने की इजाज़त नहीं दे रही है उनको पास करने में मदद करेंगे। तो इनमें दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होते हैं कैरियर प्रोटीन्स और एक होते हैं चैनल प्रोटीन्स। दो टाइप की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की गई है इन मॉलिक्यूल्स को, और चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स दोनों ही अपने अपने तरीके से इनके ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। अब इन दोनों का जो मेथड है वो कैसे डिफरेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इधर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इधर प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, लिपिड की बाई लेयर में प्रेजेंट है। चैनल ने क्या किया, चैनल ने एक तरीके से कुछ नहीं किया, पाइप बना ली है उसने, किसकी सिंथेसिस कर लिया, पाइप की सिंथेसिस कर लिया, जैसे कि हमारे घर में भी पाइप होती है जिसमें से पानी पास होता है, तो इसने भी क्या किया, एक चैनल बना लिया। इस चैनल के बनने से फायदा क्या हुआ, ये वाला चैनल का जो ये वाला हिस्सा होता है दैट इज द रीजन दैट विल इंटरैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द लिपिड मॉलिक्यूल, इतना रीजन कैसा होगा, इतना रीजन इसका हो जाता है हाइड्रोफोबिक। ये रीजन तो हो गया हाइड्रोफोबिक, तो लिपिड बाइलेयर को कोई दिक्कत नहीं है, लिपिड बाइलेयर बोलेगी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ रह लो। वहीं इसका जो ये अंदर वाला रीजन होगा, इसका यहाँ पे जो अंदर वाला रीजन होगा जो कि उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा जिस मॉलिक्यूल को पास होना है, तो ये अंदर वाला मॉलिक्यूल के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो यहाँ से आराम से मॉलिक्यूल पास हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको पास होने में। तो एक तरीके से इसने क्या किया, एक तरीके से इसने होल की सिंथेसिस कर ली जिस होल से जो मॉलिक्यूल है वो पास हो पा रहा है। तो ये पहला तरीका होता है चैनल प्रोटीन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। इनमें भी सेम कंडीशन है कि बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, अंदर की तरफ हाइड्रोफिलिक रीजन है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जैसे कि चैनल प्रोटीन एक होल बनाता है जिसके थ्रू ऐसे सब्सटेंस की पासेज हो जाती है, वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, इधर क्या होगा, इस चैनल प्रोटीन जो है उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करेगा यहाँ पर, जहाँ से भी उसको ट्रांसपोर्ट करना है। उसके बाद ये क्या करेगा, अपना कन्फर्मेशनल चेंज करेगा। क्या हैगा, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज यानी कि अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव लाएगा ये। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ये इस तरीके से प्रेजेंट था, अभी भी इस तरीके से प्रेजेंट है, बाइंड हो चुका है, लेकिन बाद में इधर से ऊपर से ये बंद हो चुका है और नीचे से ओपन हो चुका है। तो इसने क्या कर लिया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर लिया। फिर क्या करेगा, फिर ये वापस रिलीज कर देगा इस मॉलिक्यूल को, इधर नीचे की तरफ इस मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और वंस अगेन ये इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले मॉलिक्यूल आता है, मॉलिक्यूल के साथ पहली जो चीज़ ये डिफरेंट करता है वो है बाइंडिंग। यहाँ पर चैनल प्रोटीन इतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं होता है, चैनल प्रोटीन ने तो चैनल बना दिया अब जाओ, लेकिन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन उसके साथ अच्छे से बाइंड होता है। फिर बाइंड होने के बाद वो अपना कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, फिर उसको रिलीज करता है। तो आप देख सकते हैं कि कैरियर प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वही चैनल प्रोटीन जो टाइम कंज्यूम करेगा ऑब्वियसली उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि चैनल प्रोटीन एक पाइप की तरह काम कर रहा है। वही यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आप पासिंग द पास कर रहे हैं, पहले अटैच हो रहे हैं फिर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपोर्ट को देखें ना, तो ट्रांसपोर्ट दो होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डिफ्यूजन में क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, हाईर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। सिंपल सी बात है, इधर क्या हो रहा है, इधर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हाईर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि व्हाट इफ अगर किसी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हाईर कंसंट्रेशन पे जाना है, कि हाईर कंसंट्रेशन वाली जगह उसकी बहुत ज़रूरत है, तो उसको जाना ही जाना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा। तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन की जगह जो वर्ड आता है वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्टिव एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी। क्या एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। इस वाले प्रोसेस में बेसिकली आपको क्या करना है, जस्ट एनर्जी को कंज्यूम करना है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से गाड़ी कहाँ जाएगी, हाईर कंसंट्रेशन पे जाएगी। गाड़ी एज इन जो जितना भी जो भी मॉलिक्यूल्स है वो लो कंसंट्रेशन से हाईर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। बट अब ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है हाईर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, कोई मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तब क्या होगा जब किसी आयन को हाईर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है, या फिर ग्लूकोज को फॉर एग्जांपल हाईर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन तो आराम से शो कर देंगे, कौन शो कर देंगे सिंपल डिफ्यूजन, जैसे कि हमारी गैसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सिंपल डिफ्यूजन तो कौन शो कर देगा, गैसेस शो कर देगा, या फिर स्मॉल अनचार्ज पोलार मॉलिक्यूल शो कर देंगे जैसा कि हमने देखा। लेकिन इन आयन और ग्लूकोज का क्या, इन आयन और ग्लूकोज को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना है, तो उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे तो हम रख नहीं सकते, तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसे करो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम उसको क्या कर देंगे, हम प्यारा सा व्हीकल प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, ऐसे डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिएटेड का क्या मतलब है, आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, इसलिए इसको बोल दिया गया है फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में अब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कैरियर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चैनल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, इधर यू कैन प्रोवाइड चैनल और यू कैन प्रोवाइड कैरियर। दैट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस कि किसको पास हो, आप इनमें से कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल क्या होगा, चैनल में एक होल बना दिया जाएगा जिससे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है। वहीं कैरियर में क्या होगा, कैरियर में वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, और उसके बाद ही अपना जो भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। यहाँ पे अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी आगे बात करें, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जस्ट इन दोनों में जो एनर्जी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, आगे के लेक्चर्स में हम इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, जिसमें दो आता है, एक आता है सिंपल डिफ्यूजन और एक आएगा फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन में तो मॉलिक्यूल्स ऐसे ही पास हो जाते हैं, और फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में ये वाला जो केस है ये चैनल प्रोटीन का है, और ये वाला केस कैरियर प्रोटीन का है। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन आप किसके लिए यूज़ करेंगे, याद रखना, लार्ज अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर पोलार मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है। अगर हम यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखते हैं फ्रॉम वन सेकेंड हाईर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो एक होता है कि किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो कि अनचार्ज है,
अनचार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ किस कंडीशन में हो रहा है, कि उसकी हायर कंसेंट्रेशन कहाँ है और लोअर कंसेंट्रेशन कहाँ है, उस बेसिस पे उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. लेकिन व्हाट इफ कोई मॉलिक्यूल अगर चार्ज है, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई मॉलिक्यूल चार्ज है, फिर जो उसका मूवमेंट होगा वो उसकी कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंडेंट होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके चार्ज पे भी डिपेंडेंट होगा कि उसका चार्ज क्या है. तो यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है ऐसे मॉलिक्यूल का, उस वो डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे. इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, केमिकल यानी कि कंसंट्रेशन, और उन दोनों के ग्रेडियंट पे ये डिपेंडेंट होता है. जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ पर हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो Na की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, प्लस आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज कौन सा है, मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. और वहीं इधर अंदर मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. वहीं मेम्ब्रेन के अंदर Na की जो कंसेंट्रेशन है वो भी कम है. तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों ही कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोकेमिकल कंसेंट्रेशन है. यहाँ पर क्या है, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल कंसेंट्रेशन, और वहीं यहाँ पर क्या है, लो इलेक्ट्रोकेमिकल कंसेंट्रेशन. तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल है किस तरीके का डिफ्यूजन शो कर पाएगा, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन आराम से शो कर पाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको नहीं करनी पड़ेगी. दिक्कत कब आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई और जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इनसाइड वाली मेम्ब्रेन कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन फॉर एग्जाम्पल नेगेटिवली चार्ज होगी. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है बाहर, डेफिनेटली सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है बाहर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी भी तो बाहर ज़्यादा है और यहाँ पर अंदर क्या है, पॉजिटिविटी ज़्यादा. तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसको बोल रही है कि तुम इधर से इधर जाओ, लेकिन इसका जो चार्ज है वो इसको कैसे बुला रहा है, अगेंस्ट ही, चार्ज के हिसाब से वो अगेंस्ट मूव कर रहा है, वहीं कंसंट्रेशन के हिसाब से वो टूवर्ड्स मूव कर रहा है. तो इधर अगर आप चार्ज मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, चार्ज उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, किधर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड कौन सा है, आउटसाइड कौन सा है, और उसकी कंसंट्रेशन कैसी है. वहीं अनचार्ज मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, अनचार्ज मॉलिक्यूल में आप आराम से ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. यहीं पे अगर हम एक बात कर लें, अगर आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हो, पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहे हो, तो पैसिव डिफ्यूजन को बोला जाता है डाउनहिल मूवमेंट. डाउनहिल मूवमेंट क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रही है. वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है अपहील मूवमेंट. अपहील मूवमेंट क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जा रही है, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है. वैसे अगर हम यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी थोड़ा सा डिटेल में देख ले, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैरियर, ये कौन सा प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है. यहाँ पर आप बहुत ईजिली देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम बोल सकते हैं स्क्वायर मॉलिक्यूल्स जो है, उनका कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है. स्टिल वो मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ पास हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ पास हो रहे हैं. किसकी वजह से हो रहे हैं, ATP की वजह से, एनर्जी कंज्यूम करके. अगर यहाँ पे एनर्जी नहीं होती ना, तो ये फिर पास नहीं हो सकते थे, इनको आप पास नहीं कर सकते थे. तो ये क्या होता है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. इसी के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ समझ लें कि जो कैरियर प्रोटीन होते हैं ना, जो कैरियर प्रोटीन है, वो आप देख सकते हैं कि वो दोनों टाइप की चीज़ें करेंगे. यानी कि वो क्या करेंगे, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में भी पार्ट लेंगे वो, और उसके साथ साथ ही वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करेंगे. क्या करेंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, दोनों टाइप की जो कंडीशन है वो कैरियर प्रोटीन करते हैं. वहीं अगर हम बात करें चैनल प्रोटीन्स की, तो चैनल प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ पार्ट लेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये सिर्फ किस में पार्ट लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में पार्ट लेते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्ट नहीं लेते, पैसिव डिफ्यूजन भी आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है. अगर हम चैनल प्रोटीन्स की बात करें, तो चैनल प्रोटीन्स में जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी फास्टर होता है. इसमें जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा होगा, वो काफ़ी फास्टर होगा एज कम्पेयर टू कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन में जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी स्लोअर होगा. रीज़न, क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल से अच्छे से बाइंड होता है, चैनल प्रोटीन सिर्फ एक पोर बनाता है जिससे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अगर अब हम यहाँ पर कंपेयर करके देखें, एक बार सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन को अगर हम एक बार कंपेयर करके देखते हैं और एक ग्राफ बना के देखते हैं, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन को और
नॉर्मल डिफ्यूजन को, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन को. तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिख लेती हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन. जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है किसी भी मॉलिक्यूल का अक्रॉस मेम्ब्रेन वो कितना है, वही वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कि किस रेट से उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, पहले यहाँ पे बाहर की तरफ कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, वही अंदर की तरफ कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वही बाहर अब हमने कितने मॉलिक्यूल कर दिए, 25 मॉलिक्यूल कर दिए, अंदर की तरफ कितने हैं, 2 हैं, बाहर की तरफ अब कितने हो गए, 50 हो गए, लेकिन अंदर की तरफ कितने इंक्रीज हुए, 3 ही हुए. तो आप देख सकते हैं धीरे 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 जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो बढ़ता 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 जा रहा है. तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या होनी चाहिए, जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी धीरे 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 इंक्रीज होते जाना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है. तो अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन की कंडीशन में, तो ये सिंपल डिफ्यूजन की कंडीशन में क्या होगा, ये जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा सिंपल डिफ्यूजन की कंडीशन में, बिल्कुल सीधे 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 उसमें भी इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है, उसको तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ही पास होकर. वहीं अगर हम फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में देखें तो फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में भी ये होगा कि धीरे 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 जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ता जाएगा कॉन्स्टेंटली, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. लेकिन आफ्टर अ टाइम ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. एक टाइम के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोटीन कैसे हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे. प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे हो गए, सैचुरेट हो गए. जैसे कि अगर हम कैरियर प्रोटीन से बात करें तो कैरियर प्रोटीन में जितने भी कैरियर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो चुके हैं. तो अब बचे नहीं है कि वो अब कोई खाली कैरियर प्रोटीन नहीं बचा है जो कि क्या कर सके, बाइंड कर सके. या हम एंजाइम सब्सट्रेट वाली कंडीशन को समझ सकते हैं, जिस तरीके से आप सब्सट्रेट इंक्रीज कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन आफ्टर अ टाइम वो कॉन्स्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई नया एंजाइम बचता नहीं है सब्सट्रेट से बाइंड होने के लिए. सेम कंडीशन किस में आएगी, सेम कंडीशन फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में आएगी कि धीरे 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 क्या होगा, रेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर अ टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर अ टाइम वो जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा. वही सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि सिंपल डिफ्यूजन को किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है अपना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ऐसे ही खुद अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते. अगर हम आगे यहाँ पर फैसिलिएटेड डिफ्यूजन के बारे में और देखें तो हमें पता है फैसिलिएटेड डिफ्यूजन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होगा, यानी कि दो तरीके से हो सकता है. एक तरीका तो क्या है, एक तरीका वो हो सकता है कैरियर के थ्रू, और दूसरा तरीका किसके थ्रू हो सकता है, वो चैनल के थ्रू हो सकता है. अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैरियर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोअर रेट पर मूव करेंगे, वहीं चैनल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर रेट में मूव करते हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर हम कैरियर पे पहले फोकस करें और कैरियर के बारे में ही हम पढ़ लें तो कैरियर प्रोटीन्स का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल अगर आप हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लूट का, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसको हम बोलते हैं, ग्लूट का एग्जांपल ले सकते हैं, और इसको बोला जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, नाम से पता चल रहा है ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है अक्रॉस द बॉडी. इसके थ्रू क्या किया जाता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ग्लूट बहुत सारे टाइप की हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि 12 टाइम्स हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. 12 बार क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, एज इन अगर हमने यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई तो 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से कितनी बार इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, टोटल 12 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, और बहुत सारे टाइप के ग्लूट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख लें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इधर क्या प्रेजेंट है, इस तरफ प्रेजेंट है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसकी क्या कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है, और इस तरफ इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर कंसंट्रेशन है. इसलिए हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, डिफ्यूजन यूज़ कर रहे हैं. अगर हमें यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्लूकोज को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे मूव करना है ना, तो आप ग्लूट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. आप ग्लूट का यूटिलाइजेशन सिर्फ तब कर सकते हैं जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करना है. इतना बात आप ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में ग्लूट का रोल आता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल के बाहर जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, ग्लूट प्रेजेंट है, उससे ग्लूकोज ने बाइंडिंग की.
ग्लूकोज के बाइंडिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आया। ग्लूट ने क्या किया, कन्फर्मेशनल चेंज किया। कन्फर्मेशनल चेंज के बाद वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को इस तरफ रिलीज कर देगा। वंस अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। वंस अगेन ये पूरी कहानी क्या होगी, दोहराई जाएगी। नाउ इफ यू सी अबाउट द ग्लूट, बहुत सारे टाइप के ग्लूट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये सारे के सारे ग्लूट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं कौन सा ग्लूट कहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स का ही यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया है, एक ग्लूट काफ़ी सारी जगह पे भी हो सकता है। जैसे कि ग्लूट 1 प्रेजेंट होता है RBC में, ग्लूट 2 लीवर में, ग्लूट 3 ब्रेन में, ग्लूट 4 स्केलेटल मसल, ग्लूट 5 इंटेस्टाइन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूट 6 ब्रेन में, ग्लूट 7 लीवर में, ग्लूट 8 टेस्टीज में, ग्लूट 9 किडनी में, ग्लूट 10 पेनक्रियास में, ग्लूट 11 हार्ट एंड लंग्स में और ग्लूट 12 मसल एंड एडिपोस टिश्यू में। अगर इससे रिलेटेड, अगर हमें इसको याद रखना है, तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा मैंने निमोनिक भी बनाया जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। निमोनिक सिंपल सा क्या है, रेड लेबल ब्रू, रेड लेबल ब्रू। ब्रू यानी कि आप ऐसे याद रख लीजिए, कॉफ़ी, रेड लेबल कॉफ़ी की बात चल रही है, रेड लेबल ब्लू ब्रू। शुड ingested before learning this keeps में P से ही pancreas है, this keeps heart lungs muscle awake। trick क्या है कि red label blue brew should ingested before learning, this keeps heart lungs muscles awake। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ने से पहले कॉफ़ी वगैरह कंज्यूम कर लेते ताकि उनको नींद ना आए और पढ़ सके वो लंबे समय के लिए, तो उसके लिए ये मेरी ट्रिक है सिंपल सी। आपको कोई और लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, रेड से RBC, लेबल के L से लीवर, ब्रू से ब्रेन, शुड से स्केलेटल मसल, इंजेस्टेड से इंटेस्टाइन, बिफोर से ब्रेन, लर्निंग से लीवर, दिस से टेस्टीज, कीप के से किडनी और पी से पेनक्रियाज, हार्ट लंग से हार्ट लंग, मसल से मसल और अवेक के से एडिपोज टिश्यू। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप के 12 टाइप के ग्लूट हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में आपको नाम पता होने चाहिए, स्पेशली 3rd, 4th, 5th, और स्पेशली 5th के बारे में तो पता ही होना चाहिए, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये क्या है, ये डिफरेंट एफिनिटी के साथ, इनकी जो एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए वो भी अलग अलग होगी। इनके जो ग्लूकोज के टूवर्ड्स एफिनिटी है वो भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। किसी की हाई एफिनिटी होती है यानी कि वो टाइम लगाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को छोड़ने के लिए, किसी की लो एफिनिटी होगी, लो एफिनिटी यानी कि वो ईजिली छोड़ देगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये जो एफिनिटी है वो चेंज होती रहती है। बाद अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट चीज़ कौन सी आती है, नेक्स्ट चीज़ आएगी फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में ही, चैनल ट्रांसपोर्ट भी क्या हो रहा है, चैनल ट्रांसपोर्ट में भी हायर कंसंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर H2O की अगर हम बात करें, तो H2O सिंपल डिफ्यूजन भी कर सकता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में जो रेट होगा वो थोड़ा सा स्लोअर होता है। तो उसके कंपैरेटिवली ये देखा जाता है कि चैनल प्रोटीन यूज़ कर लिया जाए ताकि जो H2O है वो फास्टर अमाउंट में मूव कर सके। इसी के लिए चैनल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या करवाएंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल को फास्टर रेट पर मूव करवाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है जो कि इस ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वापोरिन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सिर्फ हमने इनको क्यों यूज़ किया, क्योंकि इनका जो रेट होगा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का वो तेज़ हो जाता है। अगर ये आयंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको आयन चैनल भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं आयन चैनल्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि इनका साइज, इनका चार्ज, इनमें जो चार्ज प्रेजेंट होता है इंटीरियर की तरफ वो अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन टू मॉलिक्यूल। जैसे सोडियम और पोटेशियम के लिए अलग होगा, क्योंकि सोडियम का जो साइज होता है वो अलग होता है, पोटेशियम का जो साइज है वो अलग होता है। तो दोनों के लिए आप डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल यूज़ करोगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके बारे में ही, चैनल प्रोटीन्स के बारे में ही, तो चैनल प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। चैनल प्रोटीन्स वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड लीकी चैनल्स हो सकते हैं, या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हो सकते हैं, या फिर लाइगेंड गेटेड चैनल्स हो सकते हैं। गेटेड से मतलब
गेटेड से ये मतलब है कि ये जो चैनल्स होते हैं ये हर टाइम ओपन नहीं रहेंगे, ये 24 आवर्स ओपन नहीं रहते, जब इनको कोई मैसेज आता है ये सिर्फ तभी ओपन होंगे। जैसे वोल्टेज गेटेड में जब वोल्टेज आएगा तभी ओपन होंगे, मैकेनिकल गेटेड में जब मैकेनिकल कुछ फोर्स आएगा तभी ओपन होंगे, लाइगेंड गेटेड में जब केमिकल मॉलिक्यूल आएगा तभी ओपन होंगे। सिर्फ लीकी चैनल एक ऐसे चैनल होता है, इनके नाम से ही पता चल रहा है लीक, यानी कि ये ओपन रहते हैं। सिर्फ एक ये चैनल है कि ये ओपन रहेंगे, बाकी सारे तभी ओपन होंगे जब कोई मैसेज आएगा ओपन होने का। तो यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं जैसे कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स में क्या आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स में कोई वोल्टेज आएगा, जब वोल्टेज आएगा उसी केस में ये जो गेट है वो ओपन होंगे और एल्स ये गेट क्लोज रहेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के गेटेड चैनल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इनका रोल जब हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स में, मसल्स में, तब इनका रोल काफ़ी आता है। नेक्स्ट होता है लाइगेंड गेटेड चैनल। इस कंडीशन में अगर एक स्पेसिफिक लाइगेंड कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सिर्फ कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके जब बाइंड होगा तभी इनसे क्या होगा, तभी इनसे स्पेसिफिकली पास होगा, वो भी चैनल स्पेसिफिक होगा। पोटेशियम के लिए हो सकता है, सोडियम के लिए हो सकता है, क्लोराइड के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी होता है, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और जैसे ही ये लाइगेंड यहाँ से डिटैच हो गया ये फिर से क्लोज हो जाएगा। इसका काम क्या है, ये फिर से क्लोज कर देगा मेम्ब्रेन चैनल को। थर्ड क्या होता है, थर्ड होते हैं लाइगेंड गेटेड, दैट इज इंट्रा सेल्यूलर लाइगेंड। लाइगेंड गेटेड में क्या होगा, इंट्रा सेल्यूलर है, यानी कि यहाँ पे सेल के अंदर से आएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इंट्रा सेल्यूलरली और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कहाँ से आ रहा है, लाइगेंड बाहर की तरफ से आ रहा है। इंट्रा सेल्यूलर में टूवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म आ रहा है, यानी कि सेल से अंदर की तरफ आ रहा है। वहीं जो नेक्स्ट वाला होता है वो कौन सा होता है, मैकेनिकल गेटेड। मैकेनिकल गेटेड में क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। जब कोई फोर्स लगेगा तभी क्या होगा, तभी वो जो चैनल है वो ओपन रहेगा, नहीं तो फिर वो कैसा रहेगा, बंद रहेगा। जैसे कि अगर हम देखें हमारे ईयर्स में जो एयर होती है, एयर के साथ जो वाइब्रेशंस आती हैं वो ओपन करती हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल को, जो कि हमारे ईयर्स में प्रेजेंट है। इसी तरीके से जैसे किसी ने अगर थप्पड़ मारा तो कोई फोर्स लगाए, तो इन सब केसेस में मैकेनिकल गेटेड चैनल्स वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने सिंपल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके बाद हमने डिफ्यूजन देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फिर हमने डिफ्यूजन में दो टाइप देखे, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में हमने कैरियर ट्रांसपोर्ट देखा है और चैनल ट्रांसपोर्ट देखा है। इसी को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली हम देखेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। आई होप ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस। Bye-bye.